अयोध्या में आए हैं। मंडल भी अपने उस अतीत के साथ जुड़ने के लिए अयोध्या आया है और इस दिन से अयोध्या की पहचान अयोध्या के रूप में ही रहे। कोरिया इस बात का गवाह है। दुनिया के तमाम देशों का प्रतिनिधिमंडल भी यहां पर आया है और इसलिए सबसे पहली बात मैं इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करता हूं, आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि आज से इस जनपद का नाम भी अब अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाएगा। मित्रों, अयोध्या हमारी आन मान और शान की प्रतीक है। ये हमारे आन मान और शान की प्रतीक है और मुझे लगता है अयोध्या की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से है। अयोध्या का एक दीपोत्सव का कार्यक्रम दुनिया ने इसको स्मरण किया है। आज अगर हम दुनिया के अंदर दीपावली के कार्यक्रम को देखते हैं तो उसका मूल स्थल है अयोध्या और अभी तो एक उदाहरण है ये। आज कोरिया गणराज्य आपके उस उत्सव में शामिल हुआ है। अभी विगत दिनों में यहां पर आया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनकपुर से अयोध्या के बीच बस सेवा प्रारंभ की और यही नहीं सुन लो चल अयोध्या और जनकपुर के इस संबंध को बस सेवा के माध्यम से जो नई ऊंचाइयां दी उन ऊंचाइयों को आगे बढ़ाने के लिए इस बार भगवान श्री राम का जो राम जानकी विवाह का कार्यक्रम होता है हमारे पूज्य संतों के साथ मैं भी जनकपुर जा रहा हूं इस बार। हमने इन स्मृतियों को बनाए रखा है इसलिए जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोई आपकी स्मृतियों से छीनने न पाए। लेकिन केवल नारों में हम अपने आराध्य देवों को सीमित न रखें। भगवान श्री राम का 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में हम दीपोत्सव का कार्यक्रम दीपावली मनाते हैं और राम राज्य की स्थापना के जो नींव भगवान राम ने रखी थी आपको लगता नहीं देखा 4-4.5 वर्षों के दौरान केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र की सरकार ने जो कार्य किए 36 करोड़ गरीबों के बैंक में खाता खोल करके कहीं भी कोई लीकेजेस न हो शासन की योजना का लाभ उस गरीब को सीधे मिल जाए इस योजना के साथ जोड़ा 86,000 करोड़ रुपए आज उन गरीबों के खाते में है। इस बात को साबित करता कि अगर खाता नहीं होता 86,000 करोड़ रुपए के खाते में नहीं होता। 8 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन देना 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना 8 करोड़ परिवारों को आवास उपलब्ध करवाना इस देश के अंदर 12 करोड़ से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाना और यही नहीं 10 करोड़ परिवारों को यानी 50 करोड़ लोगों को
आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख की स्वास्थ्य की बीमा की कवर करना, ये राम राज्य की ही अवधारणा को साकार करना है। मित्रों, यही राम राज्य है जहां किसी प्रकार का कोई दुख और किसी प्रकार की कोई दरिद्रता न हो, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक किसी प्रकार के दुख के लिए कोई जगह न हो, वही तो राम राज्य है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ही ये सारे कार्यक्रम पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के चल रहे हैं। न जाति का भेद है, न मत का भेद है, न मजहब का भेद है, न संप्रदाय का है, न भाषा का है। भगवान के मार्ग में भाषा कभी आड़े नहीं बनती। कोरिया गणराज्य ने आज यहां आकर के साबित किया है, भावनाएं होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, और भावनाएं आज हिलोरे मार रही है, न केवल अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति देख रहा है, जान रहा है अयोध्या क्या चाहता है। और अयोध्या के भावनाओं को इस साथ जुड़ने के लिए हम लोग आए हैं, आपको आश्वस्त करने के लिए आए हैं, अयोध्या के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। लेकिन जो कार्य हुए हैं उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। ये कार्य अयोध्या की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण हैं। अयोध्या के बारे में कोई बोलता था, पहले कोई मुख्यमंत्री अयोध्या आता था, लेकिन 1.5 वर्ष में 6 से अधिक बार में स्वयं अयोध्या आया हूं। अयोध्या की सड़कों को साफ करवाया गया, IPBS के अंतर्गत यहां के जितने नंगे तार थे, जिनसे लटक करके कभी कभी बजरंग बली के अनुयायी भी वहां पर लटक पड़ते थे, हमने उसको अंडरग्राउंड करके आज ऊपर के नंगे तारों से अयोध्या को छुट्टी दी, अयोध्या की सड़कों को चौड़ाकरण करके अयोध्या के घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को भी आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, इससे पहले अयोध्या का नाम लोग लेने में डरते थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रामायण सर्किट का गठन किया, जनकपुर से अयोध्या और अयोध्या से लंका तक जोड़ने के लिए हम पर्यटन की दृष्टि विकसित करने जा रहे हैं इन सभी क्षेत्रों को। कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिस भारत ने दुनिया को शांति और सौहार्द का संदेश दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जबरन किसी के राज्य को कभी अधिग्रहित नहीं किए, लंका पे विजय प्राप्त की, लेकिन रावण के भाई को सत्ता सौंपे, कृष्णकंडा पर विजय प्राप्त किए, लेकिन बाली के भाई को वहां की गद्दी सौंपे, ये भारत की संस्कृति कभी नहीं रही। भारत ने तो सबको अपने गले से लगाया, जो भी आया वो भारत का होकर के रह गया, और भारत इस परंपरा को आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस दिशा में आगे बढ़ा रहा है। और अयोध्या वासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरती से शांति और सौहार्द का एक नया संदेश हम देश और दुनिया के अंदर दे रहे हैं। मैं जब भी अयोध्या आता था, एक बात मेरे सामने आती थी, यहां के पूज्य संतों के द्वारा एक बार कहीं बात कही जाती थी कि सरयू जी में गंदे नाले गिर रहे हैं, बंद होने चाहिए, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे परियोजना में अयोध्या फैजाबाद के जितने भी नाले सरयू जी में, पवित्र सरयू जी में गिरते थे, इन सबको टेप करके एक भी गंदा नाला सरयू जी में नहीं गिरेगा, इसके लिए पूरा पैसा स्वीकृत हो चुका है। आज इसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां संपन्न हुआ है। हम लोग तो अयोध्या में राम जी की पेड़ी को उसी प्रकार से बनाना चाहते हैं जैसे हरिद्वार में हरि जी की पेड़ी है। एक साथ लाखों श्रद्धालु आए, और आज जिस अयोध्या में दीपोत्सव का एक कार्यक्रम यहां पर सकुशलता संपन्न हो रहा है, इस कार्यक्रम के साथ
इसी प्रकार से जोड़ते हुए हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे और इन कार्यक्रमों के माध्यम से एक नई ऊंचाइयां देने का कार्य करेंगे, जिससे यहां पर आने वाले समय में किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो। एक नई परंपरा को आगे बढ़ाने की शुरुआत, एक नई व्यवस्था को आगे बढ़ाने की शुरुआत और उस आगे बढ़ाने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने राम जी की पैड़ी को विकसित करने के साथ साथ यहां पर तमाम अन्य नए कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उन कार्यक्रमों को एक नया रूप देते हुए एक नई दिशा देने का कार्य भी यहां पर किया जा रहा है। और उन कार्यक्रमों को लेकर के आज जो एक विकास की तड़पन थी अयोध्या की, आज यहां पर लाइटिंग की व्यवस्था आप देख रहे होंगे। आज आपने अयोध्या में लाइटिंग देखी होगी, कितना अच्छा लग रहा होगा अयोध्या। अयोध्या में दीपावली का उत्सव इसी प्रकार से जगमगाता हुआ दिखाई देगा और अयोध्या आने वाले समय में वास्तव में इस देश के अंदर जिन 7 पवित्र पुरियों के नाम पर अयोध्या को हम जानते हैं, उन 7 पुरियों के नाम पर अयोध्या को इसी रूप में हम श्रद्धा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। इस विश्वास के साथ हम लोगों ने आज यहां पर आकर के दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को इस प्रकार की भव्यता दी, एक नया स्वरूप देने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज यहां पर हम लोग एक नया मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं, यहां पर एक नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है और नया मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम लोगों के द्वारा जो यहां पर किया जा रहा है और मैं चाहूंगा कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम भी यहां पर बने तो वह यहां की इस परंपरा के साथ राजर्षि दशरथ के नाम पर इस मेडिकल कॉलेज का नाम हो जाए। राजर्षि दशरथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम हो और यहां पर हम एयरपोर्ट का भी निर्माण कार्य कर रहे हैं। एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ही नाम पर रखेंगे। भाइयों बहनों, इस भव्य कार्यक्रम के साथ हम लोग यहां पर इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए इन सभी आयोजनों को पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ाएंगे और इस दृष्टि से यहां पर अयोध्या का एक नया विकास के नए आयाम हम लोग स्थापित कर सकें। इस दृष्टि से आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको एक बार पुनः दीपावली के इस भव्य आयोजन में आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको इस बात के लिए हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि अयोध्या की जो भावनाएं हैं, अयोध्या की भावनाएं अयोध्या के साथ साथ देश की भावनाओं के साथ हम सब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़ने के लिए ही हम लोगों ने इन कार्यक्रमों का यह भव्य आयोजन किया है। दीपोत्सव का यह आयोजन जो आज अयोध्या में एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, इन आयोजनों की दृष्टि से मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि इन आयोजनों के साथ हम सब जुड़े और आयोजनों में भगवान राम के नाम पर एक दीप हम जरूर जलाने का कार्य करें। भगवान राम के नाम पर एक दीप जलाने का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ हो, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं। आज यहां पर कई देशों की रामलीलाएं आई हैं। दीपोत्सव के कार्यक्रम के बाद उन कई देशों की रामलीलाओं के आयोजन को आपने झांकी देखी होगी, उसमें भीड़ के कारण हम लोगों को जाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि यहां पर जो दीपोत्सव के कार्यक्रम के बाद विभिन्न देशों की रामलीलाओं का मंचन होगा, उन मंचन के कार्यक्रम के माध्यम से हम विभिन्न देशों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गाथा, चाहे वो रूस हो, लाओस हो, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, इन सभी देशों में किस भव्यता के साथ वह कार्यक्रम रामलीलाओं का, राम की स्मृतियां समाई हुई है, उनके साथ हम अपने आप को जोड़ेंगे। आप सबके प्रति मैं आज दीपोत्सव और दीपावली के इस कार्यक्रम पर हृदय से आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अयोध्या की धरती देश और दुनिया के अंदर
अपने शांति और सौहार्द के संदेश को इसी प्रकार से प्रस्तुत करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। राम राज्य की अवधारणा को आप स्वयं ही साकार कर रहे हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, संतगण, विशिष्ट अतिथि नया घाट की ओर प्रस्थान करेंगे, जिससे मां सरयू की आरती और पूजन हो सके। और बड़ी खबर, अयोध्या में सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। जिस खुशखबरी की बात कर रहे थे वो खुशखबरी इसे आप मान सकते हैं, फैजाबाद का नाम अब अयोध्या होगा। ये एक बड़ी बड़ी खुशखबरी जिसकी बात की जा रही थी। इसके अलावा भगवान श्रीराम के नाम पर एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा, कुछ और इस तरह की बातें हम आपको पूरी डिटेल देंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।